मित्रों नमस्कार। आज मैं आपसे फिर इस बढ़ती हुई महामारी कोविड 19 के नए वेरिएंट से जो हमारे इलाके में नुकसान हो रहा है, हमारे लोग जो सफ़र कर रहे हैं, उसके बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, कोविड 19 ने हमारे लगभग आधे से ज़्यादा घरों में पैर पसार लिए हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण हमारा इसके प्रति सचेत ना होना है। हम लोग हल्की किसी गले में खराश होती है, बुखार आता है, झट से किसी प्राइवेट प्रैक्टिशनर के पास जाके एक टीका लगवा लेते हैं, जिसमें वो लोग स्टीरॉयड का इस्तेमाल करते हैं। उससे हमारे बुखार दो दिन के लिए दब जाता है और हम कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी अपने आप को बिल्कुल सही और स्वस्थ महसूस करने लगते हैं और हम घर में वैसे ही चलते फिरते रहते हैं, बाजार में वैसे ही आते जाते रहते हैं और वो बीमारी एक से कईयों को प्रसाद मिल जाता है। हमें अगर हमारे गले में खराश होती है, बुखार आता है, तो तुरंत हमें सबसे पहले तो सरकारी अस्पताल में जाके RT-PCR जो टेस्ट है वो करवाना चाहिए। अगर हम वो नहीं भी करवा पाते किसी कारणवश, तो हमें घर में अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए। सिर्फ पैरास्टामोल, जिंक, बी कम्प्लेक्स ये गोलियां लेनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा आइवरमेक्टिन और एजिथ्रोमाइसिन ले सकते हैं। पानी की मात्रा ज़्यादा पिए, खुराक का ध्यान रखें और आराम करें, अपने आप को आइसोलेट कर लें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि हमारा गला खराब होता है, हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, हम उस डॉक्टर के पास चले जाते हैं जो कोविड के बारे में कुछ जानते ही नहीं है। वो जाते ही आपको स्टीरॉयड की एक डोज, चाहे वो गोली के रूप में हो या इंजेक्शन के रूप में हो, दे देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा 3 दिन तक बुखार नहीं आता। हम इन्फेक्टेड होते हैं, हमारे शरीर में वायरस का प्रकोप होता है, लेकिन हम अपने को स्वस्थ महसूस करते हैं और हम ये कहते हैं वो तो ठीक है, मौसमी बुखार था, टीका लगाया डॉक्टर ने, हम ठीक हो गए। और हम बाज़ार में वैसे ही आते जाते रहते हैं, वैसे ही दुकानों पे, हमसे ना जाने कितने लोग अफेक्टेड होते हैं। वो लोग ही नहीं, हमारे परिवार के लोग भी पर भी इसका असर पड़ता है, जिससे एक परिवार में अगर आ जाता है तो एक से कई जने प्रभावित हो जाते हैं। मेरा आपसे निवेदन है, आप दवाई लें, लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखें, अगर आपका डॉक्टर आपके इंजेक्शन लगा रहा है या आपको स्टीरॉयड दे रहा है, तो पहले 5 से 7 दिन तक आप इस बात का ध्यान रखें कि कहीं आपका डॉक्टर आपको स्टीरॉयड तो नहीं दे रहा। आप पूछ लीजिए कि आप मुझे स्टीरॉयड क्यों दे रहे हो। ये क्लियर कट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और ICMR की गाइडलाइंस है कि पहले 5 से 7 दिन तक हमें स्टीरॉयड नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, जब तक कि हमारी ऑक्सीजन की सेचुरेशन 90 से नीचे नहीं आ जाती, तब तक। ये अधिकतर लोगों को होके अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन अगर हम स्टीरॉयड की डोज ले लेंगे तो ये ना ठीक होने की स्थिति में आ जाता है और नुकसानदायक बन जाता है। मेरा सभी बंधुओं से निवेदन है, मेरा प्राइवेट चिकित्सकों से भी निवेदन है, मेरा मेडिकल स्टोर वालों से भी निवेदन है कि कृपया इस महामारी में अपने मन से या अपने लालच से या ये दिखाने के लिए कि मेरे एक टीके से मरीज तो ठीक हो गया, स्टीरॉयड का इस्तेमाल ना करें। इससे ना जाने आप कितने लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। मेरे सभी भाइयों से निवेदन है, अगर आपको हो गया है तो आप फोन पे अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर लीजिए। जब तक आपको कोई ऐसी स्थिति नहीं आती कि आपको चलने में सांस चढ़ने लग जाए, सांस फूलने लग जाए, बात करते हुए खांसी आने लग जाए, ऐसी स्थिति आ जाए या ऑक्सीजन की सेचुरेशन डाउन आने लग जाए, तब आप अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए। अदरवाइज इसके लिए कोई ज़्यादा दवाई की जरूरत नहीं है। सिंपल पैरासिटामोल 650 mg की गोली आपको ठीक कर देगी। आप जिंक की गोली खाइए, आप विटामिन सी की गोली खाइए, बी कम्प्लेक्स की गोली खाइए, आइवरमेक्टिन ले लीजिए, एजिथ्रोमाइसिन ले लीजिए, लेकिन कृपया हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि स्टीरॉयड का इस्तेमाल मत कीजिए पहले 5 से 7 दिन। क्योंकि मैंने ये पिछले 4 दिनों में ये देखा है कि जो लोग स्टीरॉयड लगवा के आए हैं उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई है कि उनकी सेचुरेशन 80 से नीचे आ जाती है। इसलिए मैं आपसे एक बार पुनः मुखातिब होकर ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप ध्यान रखिए,
घर में रहिए, आइसोलेट रहिए, डॉक्टर से, मैं मेरा नंबर आपको शेयर कर रहा हूँ, 94-145-78-678। इस फ़ोन पे आप कभी भी मुझसे संपर्क करके अपनी बीमारी के पूछ सकते हैं और कभी भी मुझसे खाने पान के बारे में, दवाई के बारे में सलाह ले सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, आप अपने किसी भी निजी चिकित्सक के पास जाएं तो उससे ये रिक्वेस्ट कर दीजिए, ये एक प्रार्थना कर दीजिए कि कृपया मुझे 5 से 7 दिन तक स्टीरॉयड मत दें, अभी मुझे स्टीरॉयड की जरूरत नहीं है। आप खुद समझदार बने, आप खुद जागरूक बने, वरना स्थिति ये हो जाएगी कि हमारे घर में COVID-19 पैर पसार लेगा और तब हमारी स्थिति ऐसी होगी कि हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आप मेरी बात पर गौर करेंगे और स्टीरॉयड से जब तक की ज़रूरत नहीं है तब तक इसको इस्तेमाल करने में परहेज करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।